अपनी शो ऑफ के लिए माइकल अब बंद कर दे, इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे सबसे आखिर में लिखती है आईकॉन या माइकल, ठीक। और जो आपकी बिलोंगिंग है उनके लिए माइकल, माई स्टूडेंट, माई क्लास, माई क्लासरूम, माई सर, ये हो जाए। इससे ओनरशिप आ, इससे आपका कनेक्शन जो है डीप होता है साइकोलॉजी का। वेल फिर आप अटेंडेंस कार्ड का जो हमारा सिस्टम है आज भी चेक करें कि टीचर चाहे तो बता दें सब्जेक्ट टीचर हम चेक करें बच्चे के, जिस तरह टीचर चार्ज की जिम्मेदारी अटेंडेंस जिस तरह सब्जेक्ट टीचर की जिम्मेदारी उसका भी ट्रेन लाद अगर बच्चा नहीं आता जिसका भी किसी और टीचर, बाकी वो राइट के जाकर जो आपको गाइड किया गया किया वो अपना फेलिंग करें बोर्ड रिपीट की क्लास टाइम दे दी। अब ये कौन सा टाइम है क्लास टाइम जो है उसको रिपीट करें और दे टास्क मस्ट बी स्पोकन टू एंड हैंडल सामने। अब आप खुद सिगरेट पिए बच्चे ना पिए ऐसा हो नहीं सकता, खुद चीख चीख के बोले खुद गुस्सा चढ़ा रहा होगा तो बच्चे आराम से बोले सिवनाई जी कैसे बोले हिंदी ना चाहिए नहीं होता, तो बच्चों को जितना का माहौल देंगे उतना का वो नहीं। वेल एंड देन स्टार्ट विद ये जो है इसका मार्क है आप आफ्टर वन चैप्टर देन शुड बी एन एक्टिविटी पेयर वर्क आर फॉर क्वेश्चन इन द एंड पॉइंट ऑफ पर्सन राइट, ये टीचर लेक्चर में डाल दिया कि आप जब आप लेक्चर शुरू करते हो तो एक एक आपके क्या हो एक पढ़ो फिर उसको कंसंट्रेशन करो और फिर आखिर में ये हमारे ट्रेनर थे आसम बीर बरसा उनका ये मैंने पूरा ख्याल देखा था वो समराइज अपना जरूर करते आखिर में वो सारा लेक्चर को समरी रूप बयान करते आप भी अपने शिक्षण का ना हिस्सा बना और जब क्लास से निकले क्या करना बच्चों को अल्लाह की बाय बाय टाइ टाइ जो आपकी मर्जी है, ठीक है, जिस तरह के नवाना जिस तरह के लोगों उस तरह का कुछ ना उन्हें और हमारे बच्चे गुलाम कहें तो पीछे तो बहुत गुजदार वाला फी मांगता कहते आप क्या देख रहे टीचर क्या करे क्लास क्या करे आर यू लिसनिंग आर यू लाइन आर यू ओके फ्रेंड इज सर दे अभी क्लास शुड स्टैंड अप एज द टीचर इन द क्लास वो अस्सलाम वालेकुम सर ये ठीक है लेकिन क्वेश्चन करें कोरस की शक्ल में आप जिस तरह डायलॉग होता है अस्सलाम वालेकुम जैसे आपने कहा अस्सलाम वालेकुम वो क्या कहें वालेकुम सलाम ये रहे वालेकुम अस्सलाम पूरा घर का सिस्टम था चलता है वो एक तंग में कह दी तो जिस तरह डायलॉग डायलॉग के टोन उसको जैसे वाले अस्सलाम वालेकुम ओके वालेकुम सलाम मैम यू आर वेलकम इन नर्सरी रोड और जी मैम गुड मॉर्निंग मैम ऐसे यानी बात करने का तरीका हो वो बचपन में जिस तरह हमने पुराने का पढ़ता है इधर के पढ़ते थे आग लगा लगा के वो ना ठीक है ये और सारे बच्चे कहते हैं माशा अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहां इनको हम फॉलो भी करते हैं। फिर हम कहते हैं कि आपका जो क्लास है कोई है उसमें कोई बच्चा अगर काम नहीं करता सॉरी दे शुड रेज द हैंड इफ दे हैव एनी क्वेश्चन क्लास यस अब देखें आप करते हैं आपके बच्चे भी करते हैं कोई बच्चा भी डाउट अगर बोले तो आप जा रहे हैं सर रिस्पॉन्ड ना करें। तीसरा अगर कोई बच्चा डिसिप्लिन की ओबे नहीं करता या गलती करता है लेसन नहीं आता बड़ा मजा आता है उसको क्या कहता है क्या कहता है चलो सैकड़ा खड़ी हो जाओ मुझे गलत क्यों आते ना हाँ वाचित नेम ऑफ योर विनर सर अरे सबको भी कदा यूज करेंगे आप सबको पता है इसका कौन सा है द आंसर इज इनकरेक्ट द आंसर इज एंड इनकरेक्ट आंसर कौन सा आएगा यू इसके लिए कैफे जल्दी कर देना और इसका आंसर क्या है इनको क्या क्लास वेरी गुड वेरी गुड ये क्या काफी हो गया वो बड़ा भाई का काम कर रहा आपका क्लास रूम बड़ा लाइट था मुझे पूछा उसको सलाह दे रहे उनकी थी बात कह रहे हो बात तो बना रहे मुझे उन्हें सर भी आपको कहते हैं बच्चों बड़ा ध्यान रखते हैं आपकी मैडम ने मेरी बेटी दी बिस्ती टॉर्चर की है क्या किया टॉर्चर की है ठीक है मेरा सारा कुछ नहीं बेटी है वो तब से मेरी बच्ची डॉक्टर को बुलाया मैं उसको होश दिया ठीक है जैसे कोई बेद जो निकाल दे काम भी हो जाए हमें कुछ कहे
अच्छा ये क्लास लेक्चर में जा रहे हैं और दी टीचर फाइनल से क्लास यस क्लास यस क्लास कितना यस यस ठीक है तो ऐसे एंजॉय करा देता हूं ये लेक्चर पढ़ के आप उनसे बार-बार कहें देन ये थर्मोमीटर आपने इस्तेमाल किया एग्री या डिसएग्री के लिए कमली तौर पे हो गया ये करें और जब आपने किसी को मोज करना तो क्या करना है मेक इट ये पता है टी का क्या मतलब है साइज ना काम उस काम का बोलने का आप जो सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर बच्चियां बड़ी होती है तो बड़ी मुश्किल से वो कंट्रोल करती हैं अपनी बातों तो मैं जाते थे ना आपके पास 15 सेकंड शुरू हो लगिए लो उसके बाद ही बोला मेरे लेक्चर में तो फिर ऐसे करता हूं कि आपके काम का टाइम खत्म हो गया अब छोड़ रहे हैं ना क्योंकि रिटर्न करते हैं वेल तो इसी तरह मेरे लेक्चर की बेस पर फिर लोग पीएम क्लास अगर आप एक्टिविटी बेस पेपर ग्रुप वगैरह पे हो रही है तो टीचर कहता है क्लास यस स्टार्ट तो वो क्या कहते हैं ओके अगर आप कहते हैं क्लास स्विच जाओ दूसरे काम में जो इसका फायदा है तरीका मारा तो फिर भी फायदा नहीं ओके वो उस पे जाएंगे चेयरिंग क्लैपिंग और जैसे जैसे अभी हमने की स्टूडेंट के लिए मोटिवेशन के लिए उत्तर बड़ी दी क्लासरूम डोर विंडो किचन एंड इलेक्ट्रिकल मस्ट बी और क्या इसमें लिखा है फोन का जो टेकन दे रहा अगर आप टीचर हैं ये क्लास जैकर में आता है स्टूडेंट को समझाना है जो चीज खराब हो वो रिपोर्ट करें मुझे जो भी टीचर हो या मुतलका मैडम हो या मुतलका सर्वेंट से रिपोर्ट करें वो वहां से अभी मैं सुबह ही बात कर रहा था बड़ा खराब है लाइट ऑन नहीं है अब मुझे प्रिंसिपल को एडमिन को खराब आनी उधर बड़ा खराब है या पक्का ही जा रहा तो वो क्लास चेकरों का हिस्सा होना चाहिए क्लास का काम है ये क्लास को रन करने का तरीका है क्लास कैसे चलानी है तो उसमें पक्का चलेगा तो क्लास चलेगी तब गलत कैसे चलेगा तो ये आप अपने बच्चों को सिखाओ और ये रिपोर्ट करिए स्टूडेंट एडमिन अब ये स्टूडेंट एडमिन है जिसने बच्चों ने देखी है यू कैन एट योर ओन स्टूडेंट एंड मेक दैट कमेंट भी लाएगा तो पास में ये मैंने एक सैंपल के तौर पे बनाया हुआ है आप जिस तरह की क्लास हो जिस तरह का स्टूडेंट हो जिस तरह आपका एक मुआवजा होता है ये सिर्फ इमरानी वादा सुना है ये टीचर और स्टूडेंट के दरमियान एक एग्रीमेंट होता है एमओयू होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है कि हमने जो है इसको कैसे चलाना स्टूडेंट किस चीज को वे करना चाहिए देखो हमें प्राइवेट सेक्टर का क्या मसला है हमसे कोई पूछते भी तुम स्कूल चलाओ तो क्या आप किसी नहीं दुनिया में कहीं नहीं होता जिसके लिए कानून बनाया था उसे पूछेंगे नहीं भाई ऑर्गेनाइजेशन है फैक्ट्रीज हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट है कोई भी है वो स्टेक होल्डर होते हैं उनको साथ बातें क्या अगर मेरे लिए मुझसे पूछे कि कानून बनाएगा तो मुझसे अमल कैसे किया वो इस मेरे लिए है ही नहीं है पता नहीं किसने कहा बैठने बना दिया अभी चार साल पहले का दोबारा करती है शुरू ठीक है तो वो इस तरह फैसले हो जाते हैं तो ये आप अपने स्टूडेंट छोटे बच्चे तो क्या है पहला भी लगाया ना आप उनसे पूछ रहे हम भी अपने क्लास को आपके लिए किन किन चीजों का भाई आप घर जाके सलाम कहेंगे ठीक है क्लासरूम को साफ रखेंगे ठीक है दोस्तों से लड़ाई नहीं करेंगे कोई पांच लाइनों का पांच इशू ऐसा भी कहते हैं स्टैंडर्ड प्रिपरेशन आपने क्लास को कैसे चलाना है स्टूडेंट किस तरह चल रहेगा किन रूल को फॉलो करेंगे क्लास के ज्यादा रूल है आपके ज्यादा रूल है बच्चे के ज्यादा रूल है वो ये आप बना रहे हो ये छोटे बच्चों के लिए क्या कहते हैं ये सिखाना चाहते हैं ना आप चाहते हैं बच्चा ना जाके ना आपकी दो तीन दिन में वालदा का होना जब है मैं दूसरा बच्चा बता दूंगा कैसे करें बच्चा कहे बिस्मिल्लाह मा मेरा ही जितना विप्ले ग्रुप का बिस्मिल्लाह तो वही कह सकता है इतनी काफी ठीक है हाँ बिस्मिल्लाह से मेरे जहन में बहुत सारी चीजें आ गई ठीक है बिस्मिल्लाह बहुत प्यारी तफसीर है इसको गौर से इतना पढ़ो ठीक है आपको पता है तकबीर करते हैं तो सिर्फ इतना ही पढ़ते पूरी हम भी पढ़ते क्या वजूहत है फिर सोच लिया करो मैं देखता हूँ बहुत सुकून आता है यार अल्लाह ताला ने हमारे लिए हमारी निजात के लिए हमारी जिंदगी के लिए हमारी जिंदगी के लिए इतने इंतजाम किए कि हमें एक्चुअली पता नहीं हम वो पढ़ते नहीं तो क्या करें आयुष्मान मैडम अगर बच्चा आपके पास पे तो नहीं के दोनों बेटे आ गए पहले बच्चे तो बहुत अच्छी बात है लेकिन आपसे जाने के बाद तो वो कहे मामा जी खैर मैंने पहले हाथ वॉश करी थी पहले भी हो तो वो हाथ वॉश करके आई है तो फिर वो मामा खाने के भी कहते हैं बच्चा कहते हैं बिस्मिल्लाह फिर वो खाना शुरू करता तो क्या है पूरे में दिल लगाओगे ठीक है तो ये जो डेकोरेम है ये स्टार्ट है बिस्मिल्लाह
I tell the students, Assalamu alaikum. I am class nursing section road. I am a faithful Muslim. I am a loyal Pakistani. I am a good Hadrian. ये उसका जरूरत क्या आप अपने टीचर को भेज कर दें पाकिस्तान वाला बोल क्या है सच बोलना है अब नेक्स्ट टाइम एंटर हो तो मैं क्या करता हूँ खड़ा हो जाता हूँ कहीं पे मेरे अपने घर की प्रैक्टिस है मैच देखने का मेरा शौक होता है और वहाँ पुराना पाकिस्तान में चलता है बेड पे बैठ जाता हूँ मेरी छोटी सी फैमिली में वहाँ ही रहूँ दो काम मुझे जिस पे बहुत खुशी है एक तो कहीं भी आदमी की गाड़ी नजर आए ऐसे आपको इसीलिए हम अपने नेशनल एंटर में नहीं करते इसकी वजह ये दूसरा जहां भी हो मैं वो थोड़ा सा अगर मैच शुरुआती होता हूँ उस दिन जिस दिन पाकिस्तान बिजनेस होती चाहे वो मैच जीत गए चाहे वो आपको इधर तो हमारा टीचर सेलेक्ट हो गया कैमरा यूनिवर्सिटी में फाइव टॉप में आ गया तो मुझे उस दिन मेरी आंखों में इतनी मोहब्बत आपके मुल्क से आंसू आए तो हम चाहे बेड पर खड़ा हो खड़ा हो कैसे और आपको उसका रिफ्लेक्शन है कि आपका प्ले ग्रुप का बच्चा नेशनल के दौरान ऐसे ही होता है आप भी सारे अच्छे तो ये साथ आई एम गुड हैप्पी एंड आई एम स्पीक टू यू नेशनल एंड स्कूल में चलता हूं ये काफी लंबा है आई केयर फॉर माय यूनिफॉर्म बुक पेन माय सेल्फ आई केयर माय क्लासरूम स्कूल में वैन एंड होम आई केयर माय लेटर टू माय डियर स्टूडेंट माय पेरेंट टीचर आई आई से सॉरी ऑन माय मिस्टेक आई से थैंक यू फॉर गेटिंग अ फेवर आई से टेक इट प्लीज बाय गिविंग थिंग एंड इन दैट अफारी ठीक है उर्दू पंजाबी भी पंजाबी बहुत मीठी जुबान है तो मतलब एक बड़ी प्यारी जुबान है स्पीकर की तो आई से थैंक यू अच्छा ये बड़ी खूबसूरत चीज है अगर मेरी बेगम को चीज दे खाना ला दे तो मुझे थैंक यू करना चाहिए वो ग्लास ब्रांच बेशक करके हम राज की तरफ होगा वो बाहर रहा छक्का लगा चुका हो जो कर रहा है तो मैं बेशक ऐसे पकड़ूंगा तो थैंक यू लूंगा और ये चीजें ये है शिक्लाजी ट्रेनिंग क्या मोटिवेशन किसी चीज को और ये कोई भी एक्नॉलेजमेंट होती है ना आप कुछ किसी ने सर्विस की है ना आपने किसी से पानी मांगा है पानी देने बेटी हो बहू हो माँ हो आपकी बीवी हो बेटा कोई भी हो आपका आया हो थैंक यू करेंगे बच्चों को सिखाएंगे तो बड़े होकर करेंगे ना हम तो कहते हैं आपसे काम करना किसी पर ये किसने सिखाया किसी ने किसने सिखाया हमारी बारी है अब हाथ के काम को अलका से वो नबी गुल्ला ये का नाम ये सिखाने को बच्चों को सिखाएं ये हकीकत हमने सिखा दी ये बच्चों का होना चाहिए सेफ टीम आज गिवन एनीथिंग आई से प्लीज गिव मी बिफोर टेकिंग अ सेल्फी व्हेन द टीचर सेज थिंक आई स्टार्ट थिंकिंग आई से वाह मैंने स्टार्ट में एनीथिंग बिस्मिल्लाह रहमान रहीम तो भगवान ने रबे से दिए बाथरूम में जाना लोवन हुआ है ठीक है आई ओबे माय पेरेंट्स एंड माय टीचर द्वारा